ऋग्वेद मंडल नंबर एक सुख चौवालीस पे चौवालीस के मंत्र नंबर ग्यारह में ये लिख रहे हैं मनुष्यवत देव देव माने परमेश्वर लिखना था हे परमेश्वर आप मनुष्यवत मनुष्य जैसे हो मनुष्य के समान हो ये लिखना था अब ये इसने यहाँ लिखा देव इसका जो टांग पाट दी यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया कोई बात हुई कोई दोहा है श्लोक है उसके इसी सेंटेंस का इसी से अनुवाद होगा यहां का यहां नहीं हो सकता यहां बीच यहां का नहीं हो सकता इसको वहां इसको यहां नहीं हो सकता ये बिल्कुल अज्ञान किया मनुष्यवत तो यहां लिख दिया असभापति अच्छा लिख दिया मैं दावी भौतिक अग्नि लिख दिया के भौतिक अग्नि के सदृश से यहाँ लिख रहा था हे परमेश्वर ये मनुष्यवत ये यहाँ लिखना था यज्ञ के तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो और गुरु रूप में आते होता रूप में ऋतवजम रूप में ऋतवज बन के आते हो और आप मनुष्यवत हैं मनुष्य के सदृश हो आपकी बुद्धि इसका कोई आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो ये देखो अरिय लिख दिया मनुष्यवत यहाँ मनुष्यवत यहाँ ले लिया अरे इस, इस देव को याठो क्या ये अनुवाद होया तेरा गजब भै अरे मैं ऋषि को आए ऐसे बहुत प्रमाण है लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत सतना ही ये जग है सब अंदरे दिक्कत के तो नैण चम इनका फेरा मोतिया बिंदरी इनका मोतिया बिंद हो रहा था ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझा थी बड़े विद्वान है आज से छह सौ वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया केवल ये कहकर कि कबीर जो है ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है ये क्या जाने वेदों और प्राणों और गीता के बारे में ये झूठ बोलता है ये कहता बर्मा भी सुनो महेश नावान है इनके जन्म मृत्यु होती है तो ये झूठा है दुलाह इसकी बात मत सुना और वेदों में परमात्मा बताते थे कबीर साहब कहते कबीर वेद मेरा भेद है ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे अब इन मैं ऋषियों की दोना वो नकली व नकली ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया जैसे किसी एक गद्दे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में वो आसपास के चढ़ों को गेहूं को खेती को खावे और रखवाले ऑर्डर कब आ जा शेर आ गया शेर आ गया एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि जंगल में शेर आवे रात ने फसल खा जाता है तो उसको मार छाना था उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए गा खेती ने तो उसने पा गाँव वाले से कहा भाई तुम डरो ना जाओ मेरे साथ ले चलते हैं पहचान तो करा उसकी शेर है के तो उसने अपने दो चार गधे ले जा उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए और फिर वो शेर आया न दूर तो दिखाओ शेर वो, वो, वो आ गया वो आ गया वो लग गया खेती वो फसल खाने रुखवाड़े तो चढ़ गए वृक्षों पर वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं वो सब वृक्षों पर चढ़ गए थोड़ी देर में वो गधे जो तो कुम्हार के थे पाँच चार वो ला अपने राग रमंड बोलन हो उधर से वो शेर भी लग गया होड़े आए दिया तो जब पता चला कहते हैं शेर कार देगा का बोली तो मेरा पट्याग्रह ऊपर के कौर थे थोड़ा है तो ये सरसी थे या अविद्वान थे इनके ज्ञान तो पता लग गया अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर और ये जिनको हम शेर मान रहे थे ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी परमात्मा कहते हैं खर खरना हो वह केहरी कब हो सिंह की खाल उड़ाए शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया मैं ऋषि बन बनकर बैठ गए संत बन गए मुंडलेश्वर तिलक ला लिए इन तो संत नहीं बनते संत ज्ञान से बनता है और वो कबीर परमेश्वर थे पूर्ण ब्रह्म हैं सर्वशक्ति मान सर्व ब्रह्मण्डों के रचनहार ये वही परमात्मा है हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो का सीमाए कबीर हुआ वो धारणक रूप रहा करतार बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पार पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया आप कितनी पुण्यात्मा हो ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता आपके पुण्यों की आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था कोई भी संत कोई गुरु कुछ भी हुआ बाई बकता था कुछ भी ज्ञान सुनाता था हमें अच्छा लगता था जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब हुआ बाई बक्या करते थे तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लखबर सूराजूद ही लखबर सावधे लखबर यती जहान में तब की तो सतगुरु सरणाली इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदे जती जहान सीता सी बहुभारिया संत दूर स्थान परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे धारावाहिक प्रवर्तन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत है श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं बिरले साधु संत तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पति भरता बहनों की कमी नहीं औरतों की कमी नहीं बहुत मिल जाएंगी सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था हमारे अंदर एक सबसे बड़े अवगुण ये भी है कि हम गनी भी पैरल चलते हैं कितनी तुरंत हो जाते हैं गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान सीता सी बहुभा ये संत दूर स्थान संतों के घर बहुत दूर हैं इस तरह की फोकट महिमा तो बहुत किस किस की ना जाने कितनों की होंगी लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना ये तो बहुत युगोपर्यांत कभी दाव लगता है ये आपका दाव लगा है अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है परमात्मा की शरण मिली है आप बहुत पुनकर्मी प्राणी है पुनात्मा परमेश्वर स्वयं आते हैं अपनी जानकारी आप ही बताते हैं अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं ये तो अंडरस्टूड है हम इस संसार की उत्पत्ति की कितनी अटकल ला लें हमें कह कह का पता नहीं तो ये साइंटिस्ट बता दें इतने वैसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी इतने में फलौना बना ये तो अटकलबाजी है अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं जिन वेदों को हम श्रोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं उस धाणक कबीर ने दुल्हा कबीर जो काशी में आया था बनारस में आया था तो वो परमात्मा आके बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है मिले नारे तरवर से पत्ता टूट गिर वो बहुत न लगता डारे परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो एक वृक्ष है पेड़ है उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस में वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहाँ नहीं रह सकता नहीं आ सकता उसी स्थिति में तो पुण्यात्मा परमात्मा याद दिलाते हैं मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरी नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम ये सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख नहीं नाम कबीर जिव्या तो आए भली जोरट हरिना नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो मानव जीवन जी रहे हो मानव शरीर का तुम शुद्ध उपयोग करे हो और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है भगवान के गुणगाने की इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं गुणगान नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं, ये मुख में चाम अच्छा नहीं इससे अच्छा इसे ना काट के का फेंक दे आत्माओं ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो इसका सदुपयोग करो यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो जीव का के प्रयोग करते हैं कितना झूठ बोलने पेट के लिए किसी को ऐसा वचन कह देते हैं तल जैसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं पराई आत्मा और जीव बांध तलवार एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है उसकी आत्मा रोती रहती है और कहते हैं उस जीव या ने तलवार का काम कर दिया और एक अपने सरो पेट के लिए यानि अपने रोजगार के लिए इस जीव तो ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं और वो सारे पाप कमावा इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम राम रटत दर भलो टूटी घर की छान वो सुंदर महल किस काम के झा भक्ति नहीं भगवान राम कन्या भली भलीट भलो न पूत जैसे छेरी के गल में गल दूध ना मूत परमपिता परमात्मा हमें यह समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं फिर हमारा एक समाज बन गया है उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है तो कन्या कितनी हो जाओ तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है हेय मानता है और जिसका संतान बिल्कुल नहीं वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहां पर जब हमें ज्ञान हो जाएगा, फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी फिर उसके अतिरिक्त तो जैसे चलो ये भी सबर किया भाई कन्या कन्या होगी पुत्र नहीं हुआ आगे फिर उन बहनों को उन कन्याओं को कितना कष्ट है जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया तो उस दिन बहन अच्छा खूब रोया, ऐसे दूसरा था चेता हुआ का कितना ही कुछ कर लो फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन उस रक्षाबंधन के दिन फिर वह बहन जिसका भाई को न बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन दावा है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन नाम लेने से पहले की बात है नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये क्योंकि हमें पता लग जाता है अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी अपने मायके रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगे रक्षा बांधूंगी अब रक्षाबंधन उसका बांधोगी पहुंची भाई नहीं आया उसका सब आया उस दिन एक्सीडेंट हो गया दुर्घटना होगी अ टक्कर मार कर वो सारा परिवार अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता बहन की कहां से कर देगा जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ जान भी कौन तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो और फिर कबू ना हो अकाद राम रंगोरी हो पुणात्मा यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है। ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइये सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे बहुर बहर नहीं आव ही फिर मुक्ता पद पावे ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय किसी भी संत का इतिहास देख लो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है के लोक लाज मर्याद जगत की तिरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे मीराबाई ने कहा था सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी चाहे जड़ के सन सारे सत्य संग में जाना मेरा ना छुटेरी यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है तुरंत त्यागनी होगी हमारे लिए सबसे बड़ी तक ये है तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी तो पुणात्माओ परमेश्वर का पाना बहुत आसान है काल ने हमें इतना उलझा दिया जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे इस गीता सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए नो कहा करते जिसका संतान नहीं है केले बता सुबह सुबह यू गया न पूता माथे कह और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है ये पुणात्माओं यहां काल की सारी उल्टी रीति है अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती कबीर साहब कहते हैं मात पिता सुख स्त्री आलस बंधुकान और संत मिलन को जब चले ये अटकावें आण इनका अटकाया अटक नहीं और संत मिलन जा कह कबीर सो संत है, आवा गवन नशा मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं किसी की पत्नी बाधा करती है किसी का पति बाधा करता है कहीं बंधु कान यानी लोक लाज तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटक नहीं इनका रोकया रोकया नहीं और संत मिलन जा कह कबीर सो संत है फिर आवागव नशा तो पुण्यात्मा सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे नहीं जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कारवश जुड़े हैं और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा चाहे कि उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो आपको खूब पता इस बात का तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी नौकरी भी प्राप्त होगी विवाह का समय रख दिया विवाह से तीन दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी अब इकलौता पुत्र था अब क्या कहें अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे तो अपनात्माओं ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे उससे ज्यादा नहीं उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे जब लग हंसा हमारी आना और काल नहीं तेरा बाणा जब तक हे परमात्मा कहते हैं हे जीवात्मा जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा काल का तीर नहीं लगेगा परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि सौ वर्ष सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी परमात्मा बता रहे हैं कि एक सौ वर्ष ये साधना कर रहे हमने जो बता रखी है और एक दिन आन उपासी एक दिन आन उपासना कर लिया जो पूजाएं कर दी तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है फिर देखना खेल मालिक तो जो संतान है उनका आगे कोई लेन देन नहीं है उनका आपस में संस्कार किसी से नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं, यदि उनको ये, ये मार्ग मिल जाओ अन्य था तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत्साधना नहीं कर रहे वो तो से संतान है या ना है दोनों एक जैसे हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति गई पूरा परिवार भक्ति करे बच्चों को भी शरण में फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे और ये अननेसेसरी चोट नीलागण दे भगवान आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा ये समर्थ सकती है और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं कई बार प्रसन्न करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र तामर को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था तो वो समर्थ शक्ति मान लिए इसी एक एग्जाम्पल तय। परमात्मा कबीर जी ने कहा धर्मदास जी ने यह प्रसन्न किया था तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भानजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था उसका सगा बांधा था सुभद्रा का पुत्र था श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की और वहां जा पंगा लिया मोरद का बेटा कटवा के जीवित कर दिया धर्मदास एकदम शतब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहा भगवान उसको जीवित नहीं कर सके तो प्रसन्न किया क्या कारण है प्रभु तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया आप पर जीवित कर दिया लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी युद्ध हो रहा था पांडवों का कुल नाश हो रहा था तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना यू तापम अप्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो यह हमारी आयु भी बढ़ा होगा यह समर्थ शक्ति है परमेश्वर है यह पूर्ण परमात्मा है अवेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है लेकिन वो है कौन परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है कबीर देव है आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति देखो बगैर सुने सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है कथाएं सुन रखी है जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे परमाणुओं को आपको विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि हमने वेदों की आड में जो भी वक्ता होते थे पुराणों का वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान संस्कृत साथ बोल रहे हैं इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा और यह कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो हो होगी ही होगी इसका कोई विकल्प नहीं और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है वो कर कैसे सकता है जो उसकी साधना सत्य हो शास्त्र अनुकूल हो तब उनकी उनको सब राहत मिलती है परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं आपको वेदों में दिखाते हैं क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सद ग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं और जब तक हम नहीं समझेंगे कोई भी हमें बंडा दे कुछ भी कह दे हम उससे की मान लेंगे जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं और इन नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं यह देखिएगा यह है ऋग्वेद आपको दिखाते हैं ये कहाँ से प्रकाशित है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन राम दिला मैदान नई दिल्ली से उनके फोन और फैक्स नंबर ये, ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स पंद्रह सौ दस कटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ऋग्वेद मंडल नंबर दस सूक्त वन सिक्सटी वन एक सौ और मंत्र नंबर दो में यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो हो गया है यदि अथवा सीमा से परे चला गया है यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है तो भी उस रोगी को यह देखिए दानंद के भगता ने मैं बैद लिख दिया यहाँ पर क्योंकि दानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता ना रोग काट सकता ना उम्र बढ़ा सकता इसलिए यहाँ लिख दिया मैं बैद कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ और सौ सर्द ऋतुओं तक जीने यानी सौ वर्ष तक के लिए उस इसको बलयुक्त करता हूँ अब यहाँ जो इन्होंने जानबूझ के बकवाद करी इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं ये भगवान की जानकारी महिमा इसके अंदर अब यहाँ तो ये लिख दिया फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरा वूमड़ी वो गड्ढे पानी में वो गाड़ा हुआ ऊपर ना सच्चाई छी ना है, है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी ना चाहते हुए भी लिखती भगवान तो ने लिखवा दिए तो के लिखे थे ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त एटी और मंत्र नंबर इसका भी दो हे परमात्मन आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं या भूल देखा परमात्मा के चोर चोरा हुआ तुम गाडा पानी में वो गाडा हुआ ऊपर उपरिया सच्चाई छनी ना और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में ये देखिएगा एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं है क्योंकि ये आपका तो ये किन वजह पर ये होड़ ना दें ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत नाती ये वेदों के अनुवाद के करेगा और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में नटांगडाई थी कि कबीर अशिक्षित है अक्सर ज्ञान नहीं ये संस्कृत का मामला ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के का लसका कहा झूठ बोलता है और परमात्मा सारी साची कहा करते थे 600 सौ वर्ष पहले ये बात बताया करते थे दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बक्सवादी नो कोण काल हूं और वो भगवान कोई और है गीता में सारे रेफरेंस दे दिए मालिक न कवा दिया उसका उसने पता ही नहीं मकद के बोल गया और सच्चाई बुलवा दी दाता ने ब्रह्म कि वो परमात्मा तो कोई और है और मैं तो काल हूँ सबको खाओने आया हूँ जब तो उसने आंडी पा कर गई थी कि टोकरियाँ नहीं कि मैं कह दू और कह दी साची अब हमारा काम आ गई अब देखो ये ऋग्वेद है इसका द्वितीय भाग है ये ये लंबी बड़ी जल्द में बड़ी जल्द में है ये प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी और ये कहाँ से छपा है प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली दुर्वासी दान संस्थान और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ और दानंद संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर दस सूक्त एक सौ इकसठ ये एक सौ इकसठ और ये दूसरा मंत्र इसका इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया सच्चाई यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो उसकी आयु ना रही हो यदि वह सीमा से परे हो गया है यदि वह मृत्यु के सनिग्ठ चला गया है तो भी उसे मैं कष्ट कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे सत वर्ष यानी सौ वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र खत्म होगी वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है तब भी परमात्मा उसे इस कष्टपद रोग से मुक्त कर सत वर्ष यानी सौ वर्ष का जीवन दे सकता है अब बिल्कुल सही लिखा है पर क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयाँ की किताब नहीं है ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त ये अस्सी का है यहाँ बयासी गलत लिख रखा है यहाँ क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है अस्सी से और आगे बयासी अलग होता है ये यहाँ से है ये उनासी सुक्त समाप्त हो गया ये अस्सी चल पड़ा और इसका ये दो मंत्र यहाँ है आगे ब्यासी शुरू हो जाता है इसलिए इक्का यहाँ लिख दिया उन्होंने इक्यासी भी पूरा हो गया तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुख्त अस्सी है ये इक्का यहाँ इक्यासी वहाँ है ये अस्सी वहाँ सुक्त यहाँ समाप्त होता है यहाँ देख ये इसके दूसरे इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सुक्त अस्सी समझो अस्सी हे परमात्मन आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने आत्माओं हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गांव है परमेश्वर स्वयं कहते हैं वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलू ये वेद जानते ना ही इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे एक पल का भरोसा नहीं ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में हम एक परजा हैं यहाँ के राजाओं की दुर्गति अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बनकर सैर से पटे कर कदे इधर घूम रहा कदे उधर खका उठा रहे सारा दिन चैन नहीं एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चालेंगे पहले दोनों मित्र थे जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे वो कहता भाई फुर्सत नहीं टाइम नहीं मेरे पास और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि जो ये बाद में पछताएगा रह रह-रह कर वो जाता है समझाने की चेष्टा करता है आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं टाइम नहीं बहुत बार कहा उसने यही उत्तर दिया एक दिन उसकी मृत्यु होगी अनुपदेशी मित्र की अब उसको ले जा रहे थे, उठा के। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है सत्य बोलो गत है और वो कह रहा था आज बाई ने फुर्सत है वो तो ये पूरा डायलॉग बोलने जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है दूसरे कहने लगे भाई तू नू ना बोला इनका तो चोट ला गिरी है इनको तो इतना इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा मैं रो हूँ अब इसको पहले मैं और ये मित्र थे मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि रात्रि के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देख यु जब मेरे साथ हो लिया करता और खोटे कर माला इसने बीस बार होया मैं तू आ जा मेरे साथ मुन्ने मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया मेंटल हो गया तू छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे अरे तेरा गजो परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ हमें समझाव उस समर्थ की रीध छुपाई परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की और उस समय ना तेरा कोई भाई था ना बहन ना माता की कोई उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए थे कुछ भी सिस्टम किया परमात्मा का जुगाड़ था सारा और बाहर भी वही उसका संरक्षक है अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए हमारा परम कर्तव्य है जब ये बात समझ में आ जाती है और जो बच्चे युवा हैं माता पिता वृद्ध हो लिए वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं तो कोशिश करें उनको समझाने की जोर जबरदस्ती नहीं करे रह रह कर ज्ञान सुनावे प्यार से समझावे और अपने परिवार को रिश्तेदार को जहां तक भी आप जा सकते हो समझा सकते हो आपका परम करते हुए परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है भक्ति नहीं कर रहा है तो वह गलती कर रहा है परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो नाम बेगार बेगार किसे कहते हैं पहले समय में आज से लगभग चालीस वर्ष पहले ये पुलिस वाले इनके थानों में जो है ना वही नहीं हुआ करते ये इनकी किसी ने पकड़ दिया करते कोई टेम्पो वाले ने कोई जीप वाला मिल गया फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी ऐसे एक टेम्पो वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए छः बजे और शाम ने रात ने छोड़ा दिया बारह बजे सारा दिन उसको उससे अपने जो काम बस गए थे कि रेड लगानी थी कोई पकड़ना था वो सब जगह ले गए उसने और तेल भी उससे डाला अपनी अपने पैसों से और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन और एक पल पन्दा टक्या नहीं सूख के टेम्पू का उधर चलो उधर चलो वहां चल अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहां वो सवारी डोया करता उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया क्या बात होगी वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया कल बेगार में फंस गया कल सुबह ले गए थे छह बजे पुलिस वाले रात ने छोड़ा बारह बजे और दो से रुपये अपने पल्ले तो ला दिए उस समय दो सौ रुपये तो आज के बीस हजार थे सोच ले तो वह बेकार थी सारा दिन तो उसका यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते हो या इसको बेकार कहा करते हैं आज कोई राजा बना है कोई मंत्री मुख्य मंत्री प्रधानमंत्री पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो यदि वो भक्ति नहीं करता वो बेकार कर रहा है अपने पुनों का नाश कर रहा है एक मिनट की फुर्सत नहीं परमात्मा कहते हैं तीन लोग का राज जीव को जय कोई दे लाख बधाई के कज नहीं नाम कबीर ये जग निर्धना कबीर सब जग निर्धना धनवंता न को धनवंता जिस पे राम नाम धन हो परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है ये धनवान नहीं है और जिस आधार से तुम तो इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं या कोई ठीक हो या माया कहां से हो चरण कमल में ध्यान राख दोनों ने खो या काया भी नासमान या कोठी भी तेरी नहीं या कार तेरी नहीं फैक्ट्री तेरी नहीं ये मन में पल्ला गांठ लगा ले पक्की धारणा कर ले फिर रह कोठी में शरीर में भी रहे ना जब तक इस, इसका लिखा हुआ है मालिक ने और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा इतनी सी बात है सारा कुछ कह कर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पा नहीं रटे नाम और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम अब यदि मनुष्य जीवन पा कम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है और पानी उसमें है नहीं जल है नहीं तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर कितना सुंदर बना रखे हो ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुए के नहीं इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा के जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है इसकी आवश्यकता क्यों है नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियां का बन जाता ना लाइट की जरूरत थी ना बिजली बनानी ना धाज बनाने कुछ भी जरूरत ना थी मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है और ये वैसे नहीं मिलता मानुष जीवन दुर्लभ है मिले न बारम्बार बहुत ही दुर्लभ है तो इसका लाभ उठाना अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं परमात्मा को पहचान सकते हैं तो पुणात्माओं सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे यहां क्या औचित्य अपने जीवन का आज सारी सुविधाएं आपके पास है और राम बुलावा आ गया फिर क्या करेंगे इस क्या काम आई मारा यह सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है बर्म रहा संसार कंचन पाया नहीं रावण चलती बार सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम एक पलक में पड़े जंजीरम सर्व सोने की लंका थी हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे की तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे तो सोने की बना रहा था सरवण की गोल्ड की और चलते समय कहते हैं, एक रति सा एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका तो फिर हम क्यों डाले ढोरे यहां पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के भगवान का भगवान माने स्वामी का वैसे भगवान नहीं है यहां के मालिक का अब जो परमात्मा की डेफिनेशन परमात्मा की संज्ञा उपमा वो यहां सब पर लागू हो जाती है वो अपने को फिर सभी स्वामी भगवान मालिक को वह जैसे कोई अधिकारी है उसको भी साहब कहते हैं और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री साहब तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है ये इनका सतर दूसरा है भगवान का इस काल का और यो भी भगवान कहलाता है लेकिन भगवान नहीं है इसलिए गीता जोध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक सोलह और सत्रह में निर्णायक ज्ञान दिया सोलह श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस संसार में ये दो पुरुष दो प्रभु प्रसिद्ध हैं इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाचवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं और ये दोनों भी नासवान हैं इसलिए पंद्रहवें अध्याय के गीता जी के सत्तरवे श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति थे उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से वो तीसरा कौन है गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर एक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो सातवें अध्याय के उन्तीस मंत्र में, में गीता जी में कहा है कि तत्पर्म को जानकर सारे धात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहां के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता अपना जरा माने बुढ़ापा वृद्ध अवस्था एक कह रहे है इस जीव के ऊपर और फिर मौत बहुत इस्ते बुंडा क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी शिवराज जी और अपना सारा कुछ अरे एक मिनट में मृत्यु होगी इस्ते बुंडी और के बनेंगे अपने साथ तो कहते हैं यह बात समझ तत्परम वो तत्परम कौन है अर्जुन पूछा है कि कौन है तत्परम वो परमात्मा कौन है आठवें दे के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई उसी के विषय में गीता जी ध्यान नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सत्रह में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है परम अक्षर ब्रह्म है इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से और वही परमात्मा इति उदाहर उसको भगवान कहा जाता है